आज चाह रहा है कि वो पुनः हमारे क्षेत्र में आए, पर हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज ऐसी शख्सियत इस छिंदवाड़ा जिले का गौरव बन के आई है, और वो नाम है हमारे छिंदवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी जी, हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। सर, आपके लिए दो लाइनें कहूंगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, मतलब अभी कटनी से छिंदवाड़ा यहां से चले हैं अभी नई मंजिल के ओर। यह तो एक छोटा सा पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। आपके जोरदार तालियों के बीच आज के मार्गदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे जिले के भी गौरव, नाम भी जिनके नाम में भी जिनका गौरव ही है, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय गौरव तिवारी जी का मैं मंच पर आपकी तालियों के बीच में जोरदार स्वागत करना चाहूंगा। गौरव तिवारी जी, मंचासीन सभी सम्मानीय अतिथिगण, मेरे प्यारे भाइयों, माताएं, बहनों, सबसे पहले तो मैं राहुल रंगारे जी को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस छोटे गांव में इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया, और दूसरा, चूँकि युवा वर्ग के काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनको बताना चाहूँगा जो मैंने अपने जीवन से सीखा है, या जो मैंने अभी, क्योंकि मैं उम्र में बहुत कम हूँ अभी मंचासीन अतिथि लोगों के सामने, लेकिन फिर भी जो संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उसके संबंध में बताना चाहूँगा, खासतौर से जो युवा वर्ग के लोग हैं उनके लिए, कि जीवन बहुत कठिन है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि जीवन बहुत आसान है, पिताजी पैसा कमा रहे हैं और आप ऐश कर रहे हैं, तो ये बहुत सीमित समय के लिए ही है। जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और दुनिया को फेस करेंगे, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने जीवन का एक अच्छा काल वेस्ट कर दिया, जब आपके पास आपके पेरेंट्स थे जो आपकी केयर कर रहे थे और आप कुछ बन सकते थे। इसलिए मेरा सुझाव है सभी बच्चों से, खासतौर से जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, कि अब टाइम आ गया है कि जब आप लाइफ को काफ़ी गंभीरता से लो और पढ़ाई करो मन लगा के। जैसे आपका गांव है, शायद मेरा गांव इससे भी छोटा गांव है, मेरे गांव में तो इतने सारे आबादी भी नहीं है, शायद 200-300 लोग की आबादी है, और हाई स्कूल तक स्कूल हुआ करता था मेरे गांव में, और हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई किया मैं। तो जैसा कई सारे युवा लोगों को रहता है कि साहब मैं तो पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं तो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, तो उनके बारे में बताना चाहूँगा। कई लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, विश्वास नहीं करते मेरी बात पर, लेकिन ये फैक्ट है कि जो एजुकेशन आज के डेट में स्कूल में मिलती है, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन, उसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह का हम एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, जहां हम लोगों को ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, उसकी उपयोगिता क्या है लाइफ में, ये सोचने योग्य बात है। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि नॉलेज और एजुकेशन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बताया था कि नॉलेज और एजुकेशन में जो डिफरेंस है उसके संबंध में, कि नॉलेज, जैसे अभी यहाँ पर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन तो नहीं हो पाएगा, वरना मैं बच्चों से जरूर पूछता इस संबंध में डिफरेंस इनका, तो उसमें आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज समथिंग दैट रिमेंस व्हेन यू फॉरगेट एवरीथिंग लर्न एट द स्कूल लेवल। मतलब स्कूल में जो ठीक है जैसे जो स्कूल में पढ़ाई किया आपने, वो सब चीज़ भूल जाओ स्कूल में। ऐसे मान लो आपने ABCD पढ़ाई किया, 1 2 3 पढ़ा, का पढ़ा, सब भूल जाओ। उसके बाद जो चीज़ आपके अंदर बचती है वो आपका रियल एजुकेशन है, असली शिक्षा वही है। तो अगर आपने स्कूल में जो पढ़ाई किया वो भूल जाओ, तो जो चीज़ आपके अंदर बचती है वो है आपका डिसिप्लिन, एटिकेट्स, मैनर्स, जो हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बड़ों का आदर करना है, छोटों से कैसा व्यवहार करना है, ये लाइफ में असल मायने रखती है। लेकिन हम लोग की जो एजुकेशन पॉलिसी है, जिस तरफ हम लोग आज बढ़ रहे हैं, उसमें ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जरूर खत्म होती जा रही हैं। समाज में वैल्यूज़ को, एथिकल मॉरल वैल्यूज़ की जरूर कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है, कि आखिर हम लोग जिस तरह की शिक्षा पद्धति को फॉलो कर रहे हैं उससे किस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं। और रही बात अगर एजुकेशन की, तो मैं बताऊं कि हाई स्कूल तक मैंने अपने गांव से पढ़ाई किया था, तो क्लास 8 तक तो मैं हमेशा फेल होता था गणित में और इंग्लिश में। और किस तरह लाइफ चेंज होता है ये बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम था,
बहुत टफ बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मेरे को गणित में मात्र 45 मार्क्स आए थे 100 में से, और इंग्लिश में मात्र 43 नंबर थे 100 में से। तो अब चूंकि गांव से पढ़ाई किए थे और हाई स्कूल के बाद कोई स्कूल नहीं था मेरे गांव में, दूर जाना पड़ता, बनारस शहर के लिए जाना पड़ता, तो चूंकि लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल मिला के 60% मार्क्स मेरे आ गए थे हिंदी साइंस और सोशल स्टडीज़ को मिला के। तो पेरेंट्स लोगों ने सोचा कि चलो इसको भेजते हैं एक बार बाहर पढ़ने के लिए, क्या पता कुछ बन जाए। तो लोगों ने मुझे एक रिश्तेदार क्या भेजा पढ़ने के लिए, जब मैं जा रहा था लखनऊ, मेरे रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ जा रहा था, तो मेरे जो गणित के टीचर थे हाई स्कूल में, जैसा गांव में स्कूल में टीचर होते हैं ना मास्टर जी, वैसे थे, उनसे मैंने उन्होंने मेरे से पूछा कि गौरव तुम अब इंटरमीडिएट में जा रहे हो तो तुम इंटर में क्या लोगे, साइंस में मतलब जैसे जीव बायोलॉजी लोगे कि गणित लोगे कि आर्ट्स सब्जेक्ट लोगे। तो मुझे लगा कि गुरुजी को तो पता है कि मेरे को गणित आती नहीं है, तो इनसे क्या झूठ बोलना। तो मैंने कहा कि सर मैं तो सोच रहा हूँ जीव विज्ञान ले लूँगा, गणित आती नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं देखो, मैथ्स तुमको इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुमने मैथ में प्रैक्टिस नहीं किया, तुमने टाइम डिवोट नहीं किया। कोई चीज़ तभी तक डिफ़िकल्ट है ना जब तक तुम उसको डिफ़िकल्ट मान रहे हो। जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब तो मैं मैथ्स को मस्त मैथ्स पे फतह हासिल करके रहूँगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उनकी इस बात को मैंने माना, और उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि तुम्हें अगर मान लो कभी भी दिक्कत हो ना, कभी भी तुम्हें मैथ्स में डर लगे तो तुम मेरा नाम ले लेना। उनका नाम था अभय नाथ पाठक, अभय मतलब फियरलेस। तो मुझे लगा ठीक है सर, उनके कहने पर मैं जाकर मैथ्स इंटर में मैथमेटिक्स ले लिया मैंने। एंड यू विल नॉट बिलीव, मतलब मैंने मैथमेटिक्स की जब पढ़ाई स्टार्ट की 11th 12th में, खूब मन लगा पढ़ता था मैं डेली, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि लगभग 2-3 घंटे जो मैं अपने सेल्फ स्टडीज़ के लिए रखता हूँ उसमें मेजर पोर्शन 50% मैं मैथ्स को ही डिवोट करूँगा। खूब प्रैक्टिस किया मैथ्स में, और किस तरह चीज़ें चेंज हो गई, मतलब जो कभी मैं पास होने के लिए स्ट्रगल करता था, मैंने इंटरमीडिएट में फिर मेरे 96 मार्क्स आए मैथ्स में। फिर इतना ही नहीं रहा, फिर इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के बाद डिसाइड किया कि मुझे अब इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि एक अच्छा एक्सपोजर मिला। गांव के लोगों का ये समस्या रहती है कि हम लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता है, जहां हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मैं लखनऊ गया, वहां पे लड़कों का जिस तरह का कॉम्पिटिशन का इन्वायरमेंट देखा, और जिस तरह लोग सिंसियर पढ़ाई को लेकर हुआ करते थे, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, तो मेरा मैथ स्ट्रांग हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की, तो मेरा IIT कानपुर में हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने इंजीनियरिंग किया तो जैसे आप लोगों का बैकग्राउंड है ना, सब लगभग ऐसा ही मेरा भी बैकग्राउंड था। मेरे पिताजी सिंपल किसान हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको रहती है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन उनसे जब ऊपर उभर पाए वही लाइफ में कुछ बन पाता है। तो मैंने भी इंजीनियरिंग करने के बाद फिर डिसाइड किया कि मैं कुछ दिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूँगा। तो मैंने जॉब किया, पैसा कमाया, फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ जाकर मैंने तैयारी की। और जब दिल्ली गया तो वहाँ पर UPSC में 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, तब अब एक हो गया है, तब 2 सब्जेक्ट लेना हुआ करता था। तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ थी कि मुझे कुछ आता ही नहीं था, सब्जेक्ट कौन सा ले। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो क्यों ना मैथ्स लेते हैं। डर तो कहीं ना कहीं था कि मेरा मैथ्स बहुत कमज़ोर हुआ करता था, बेस बहुत कमज़ोर है मैथ्स में, पता नहीं क्या होगा। लेकिन फिर भी मैंने रखा कि चलो एक बार गुरुजी जैसा मेरे बताया करते थे उनको, उनके पदचिन्हों पर, उनके बताए मार्ग पर चलूँगा तो शायद सफलता मिल जाए। तो मैंने मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री रखा, दोनों मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सब्जेक्ट है। मतलब मैंने देखा था कि मेरे से करीब 8-10 साल पहले तक किसी का इन दोनों सब्जेक्ट सिलेक्शन ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने ले लिया कि चलो ठीक है लेके देखते हैं। मैथमेटिक्स में खूब प्रैक्टिस किया और केमिस्ट्री भी किया, और किस तरह चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मतलब मैथमेटिक्स में मेरा जब मार्क्स आया तो मैंने देखा कि मेरा ऑल इंडिया 2nd highest मार्क्स आया। मतलब कभी मैं मैथ में पास नहीं होता था और कभी ऐसा हो गया। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि रातों रात हो गई या कुछ ऐसा कोई भगवान ने कुछ ऐसा मंत्र वंत्र पढ़ाया कि हो गया, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। जैसा रावतकर साहब ने बताया, मैंने भी खूब पढ़ाई की, खासतौर से जब जॉब छोड़ के गया दिल्ली पढ़ाई किया मैंने, तो कम से कम मैं हर दिन 16-17 घंटे पढ़ाई करता था, 16-17 घंटे। और उसमें भी फिर ऐसा फील आया, ज़्यादा मेरा कोचिंग वोचिंग में भरोसा नहीं रहता है, सही बताऊँ तो मैं गया था जरूर, स्टडी मटेरियल जुगाड़ लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैं सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जिनका कोचिंग ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, ज़्यादा अच्छे लोग वहाँ हैं नहीं, इसलिए मैंने खुद स्टडी किया। और जब मैं प्री और मेंस के बीच में लगभग 4 या 5 महीने का गैप मिलता है, तो उस 4-5 महीने तक मैं कभी रूम के बाहर नहीं निकला। मतलब इस कदर मेहनत करनी पड़ी, टिफ़िन आता था, टिफ़िन खाते थे, बस रूम में पढ़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं खूब। और जैसा युवा वर्ग के लोग बहुत सारे मूवीज़ देखते होंगे, तो एक मूवी आई थी पहले ओम शांति ओम, देखे हो, तो उसमें एक शाहरुख खान बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है कि किसी को अगर तुम पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें मिलाने का प्रयास करती है। तो सिर्फ अब
अबे तुम लोग गलत सोच रहे हो। तो सेम वैसे ही अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, जैसे मेरा बचपन से ड्रीम था कि मुझे यूनिफॉर्म सर्विस पहननी करनी है, जिसकी सर्विस में यूनिफॉर्म मिले, यूनिफॉर्म का एक अलग चार्म होता है, एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। मेरा बचपन से मन था कि मैं पुलिस में आना चाहता हूँ। तो जब मैं तैयारी शुरू किया ना, जब इतना पढ़ाई करता था, तो सिलेक्शन के दो तीन महीने पहले तक जब मैं कभी सपना देखता था ना, तो मैं हमेशा अपने आप को एक पुलिस ऑफिसर देखता था कि मैं पुलिस में हो गया, मैं पुलिस में यहाँ पहुँच गया हूँ, वहाँ पहुँच गया हूँ। तो मतलब इस कदर तुम्हें दिन रात उसमें लगना पड़ता है हर चीज़ छोड़ के। अब अगर हम कंपेयर करें इसको आज के परिवेश के, जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, कई बार मैं जाके इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से। पिछले दिनों मैं उमरेड थाने भी गया था, तो वहाँ पर कुछ युवा वर्ग के लोग मिल गए। कोई बोला ऐसा मैं बीकॉम कर रहा हूँ, कोई बीए कर रहा हूँ, कोई बीएससी कर रहा हूँ। कम से कम चार पांच लोग थे, उनमें से मैंने ज़्यादातर लोगों से पूछा तो कई लोग ये नहीं बता पाए कि बीकॉम का फुल फॉर्म क्या है, बीए का फुल फॉर्म क्या है। मतलब हम लोग सिर्फ डिग्री जुटाने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ आप, और लोग क्या लग रहा है कि भाई पिताजी भी सोचते होंगे बेटा मेरा ग्रेजुएशन कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं माता पिता की भी गलती है, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि ओवर द ईयर्स उनका जो नियंत्रण, जो सुपरविजन बच्चों के ऊपर होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम हुआ है। जिस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, जिस तरह से लोग आजकल टीवी पे दिन भर रात भर सीरियल आ रहे हैं, मूवीज आ रही हैं, उसमें माता पिता लगे हुए हैं, नहीं लगे हैं उसमें तो फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बच्चों के को जो समय देना चाहिए इनको, उनके सुपरविजन के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, वो नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि बच्चों ने, आप लोग रियलाइज़ करना इस चीज़ को, कि बच्चों ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है मोबाइल फ़ोन पे। कई आपके बच्चे होंगे जो 11, 12 पढ़ते हो, 5-6 दिन के लिए उनका मोबाइल फ़ोन अपने पास रख के देखो, आपको रियलाइज़ होगा कई बच्चे भाग जाएंगे घर छोड़ के, कई बच्चे भाग जाते हैं। तो इसमें आप समाज को दोषी नहीं बना सकते, आपने उसको पैदा किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको अच्छा नागरिक बनाएं, उनको लॉ अबाइडिंग बनाएं। और जो भी समाज में विघटन या जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके लिए सबसे पहला जवाबदारी, सबसे पहली लापरवाही पेरेंट्स की ही है, क्योंकि सबसे पहला गुरु माता पिता ही होते हैं। अगर आपने उनको उनके प्रति अपना दायित्व तो नहीं समझा, उनकी सही मार्गदर्शन, सही काउंसलिंग नहीं की, तो वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। बहुत सारे केसेस आते हैं, मैं देख रहा हूँ ना, जैसे पुलिस में आए मुझे 6 साल हो गए, 6 साल में देखूँ तो हर साल लगभग 10-20% केसेस ऐसे बढ़ते हैं जिसमें बोलते हैं, पेरेंट्स आते हैं कि साहब मेरे बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मेरे को मतलब बेटा बाप को पिटाई कर रहा है, माँ बाप की पिटाई कर रहा है, मतलब इससे बुरा दिन क्या हो सकता है। तो इसके लिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आपने उसको जो लाड़ प्यार दिया, अगर सही मार्गदर्शन नहीं दिया, तो बच्चे भी जो अफेक्शन हुआ करता था वो नहीं रह गया, बच्चे भी बहुत मेटरलिस्टिक हो गए, आपने मेरे लिए क्या किया। मतलब एक इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं, तो देख जब पुलिस में आने के बाद बहुत सारी समाज की सच्चाइयाँ हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं। एक इंसिडेंट था जिसे मैं देखा कि एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, इंटर बीएससी कर रही थी, बीएससी के बाद बालिग हो गई वो, तो घर से भाग गई लड़के के साथ एक, फिर और उसके फादर एक रतलाम में जगह है, इफ्का फैक्ट्री है, उसके बाहर चाय की दुकान लगाते थे, चाय बेचते थे वो, जहाँ हम लोग उस लड़की को ढूंढ के ले गए, लड़की साथ में ख्याल से इधर बैतूल साइड कहीं आ गई थी लड़के के साथ, उसको लेके गए हम लोग, काफ़ी प्रयास किया हम लोगों ने, काउंसलिंग की। तो उसका कहना है कि आपने हमारे लिए किया क्या, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, आपने मुझे बीएससी करा दिया, किसी के चाहने से कोई कुछ बनता है क्या। अरे तुम अगर चाहती बीएससी एमबीबीएस करना, तुम्हें कोई रोक सकता है क्या। अगर आप चाह लें कि कोई लड़का चाह ले इसमें से कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, तो कोई रोक पाया क्या आपको। और आप कुछ ना चाहो, राहुल रंगारे जी चाहते रहे कि आपको डिप्टी कलेक्टर बना देंगे, बना देंगे क्या, कभी नहीं बना पाएंगे। जब तक कि आपका अंदर से, आपके अंदर वो जज्बा, वो जवाबदारी नहीं रहेगी, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की मतलब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है। पिछले दिनों में देखा, अभी यहाँ छिंदवाड़ा में आने के बाद मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ अभी, लेकिन मैंने देखा 2-3 मामले मेरे सामने आ गए जिसमें पेरेंट्स आ रहे हैं कि साहब हमको ना उस टीचर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराना है, उसने हमारे बेटे को झापड़ मार दिया। जज साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको मालूम है कि हर अपराध के पीछे हम लोग देखते हैं कि मेंसरिया क्या था, उसका गिल्टी इंटेंशन, उसका नियत क्या था, मारने के पीछे उसकी क्या मंशा थी, किस बात को देखकर उन्होंने मारा। मान लो बच्चा आपका पढ़ाई नहीं कर रहा है, पहले हम लोग मान लो स्कूल में पिट के जाते थे, पिटते थे, मान लो कभी खूब पिटते थे, फिर घर जाके हम लोग बताते नहीं थे कि अगर बताओगे तो फिर पिटोगे, तो इसलिए अपने बताना नहीं था। तो अब बच्चे क्या बताते भी हैं, और पेरेंट्स बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस थाने चलेंगे हम, टीचर के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराएंगे। तो वो टीचर क्या अपना कोई उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या पीटने के पीछे, वो आपके बेटे को चाह रहा है कुछ बना दे। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो टीचर होता है, टीचर का रोल उस कुम्हार की तरह होता है जो मिट्टी से एक घड़े का रूप देता है। जब घड़ा बन जाता है तो आप लोग देखेंगे, देखे होंगे कि उस घड़े को फिर कुम्हार बाहर से पीटता है, लकड़ी के थप्पे पीटता है,
तो पीटता तो है लेकिन साथ ही अंदर से एक सहारा भी देकर रखता है कि टूट ना जाए। तो वैसा भी टीचर्स को भी उतना मैटरलिस्टिक नहीं होना चाहिए, उतना प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ एक इनफॉर्मल रिलेशन, एक अफेक्शन बना के रखना चाहिए। कई मामलों में मैंने देखा, आप जैसे रंगा साहब को ज़्यादा अच्छा पता होगा, जो ये एक नया एजुकेशन सिस्टम आया है जिसमें लोगों का डिपेंडेंस कोचिंग ट्यूशन इस पर बढ़ा है, इससे कहीं ना कहीं जो आइडियल रिलेशन हुआ करता था स्टूडेंट और टीचर का, वो भी ख़राब हो गया है। कई मामलों में आप रियलाइज़ करेंगे कि टीचर्स ही बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। उनके साथ पता चल रहा है कि 376 के मामले पंजीबद्ध हो रहे हैं, कोई छेड़खानी की हो रहा है, कोई रेप के मामले पंजीबद्ध हो रहे हैं। तो इसमें ये चीज़ों को मतलब मुझे लगता है कि हर आदमी को समझना चाहिए, अपना दायित्व और अपनी चीज़ों को बखूबी करना चाहिए। और इसमें चूंकि युवा वर्ग के लोग भी हैं, इसे बताना चाहूँगा कि देखो, जब भी तुम कोई काम करने जाओगे ना, तुम्हें हमेशा दो तरह की बातें आती हैं। एक तो तुम्हारा मन कहता है कि कुछ करना है, एक तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है, दिल कुछ और कहता है। तो इसमें मन क्या है, बहुत चंचल है, ये सोचता है कि बस अभी हो जाएगा ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन दिल क्या होता है उसको पता रहता है कि बेटा लॉन्ग टर्म में तुम्हें इसको क्या भुगतना पड़ेगा। तो हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। तो दिल की बात सुनो, अपने अंदर से जो बात आती है उसको सुनो, उसको पालन करो, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे तीन चीज़ें मैं कई बार बता चुका हूँ लोगों को, पुलिस से बताता हूँ, तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है बोलना, एक होता है करना, एक होता है दूसरा विचार करना, कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये तीन चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोग क्या है, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोई बता पाएगा क्या? बोलना, सोचना और करना। करना, चलो ठीक है, इन्होंने बोला करना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आदमी जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, वैसा ही बन जाता है। जैसे आप मान लो कुछ करना चाहते हो, तो करने के पहले क्या होगा, आपके मन में विचार आएगा, सोचोगे तभी तो कुछ करोगे। अब मैं मान लो बोल रहा हूँ, तो बोलने के पहले मैंने विचार किया कि मैं क्या बोलूँगा। तो सबके सेंटर में क्या है, विचार, कि आपकी थॉट कैसी है, आपका विचार कैसा है। और उसको कोई नहीं देखता है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं जानता, आपके अंदर दिल में चल रहा होता है। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आपके विचार, आपकी सोच वैसी होनी चाहिए। अगर आप ये सोच के सक्सेसफुल बनना चाहते हो कि मैं तो बन जाऊंगा पुलिस में, या फिर जैसा बताया आप पूर्व के वक्ता ने कि पुलिस में बन जाओगे तो बस नोट छापोगे, पैसा बहुत आएगा, बहुत सारी गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो कभी नहीं बन पाओगे। जिस चीज़ की नीयत ही गंदी है, गंदी नीयत से स्टार्ट करोगे, कभी नहीं बन पाओगे। अच्छी नीयत से, अच्छी देशभक्ति की भावना को ले करो, और जो भी समस्याएं समाज में दिख रही हैं आपको, इसका आपके पास क्या सोल्यूशन है, इस मेंटेलिटी से करो। जैसे मैंने जो अनुभव किया है, ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग जो यूपीएससी में या पीएससी में सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादातर इनमें संख्या रहती है यूपी और बिहार के लोगों की। उसके पीछे जो कारण है ना, मैंने महसूस किया है, जो बिहार का जो अभाव का जीवन होता है, वो आदमी को मोटिवेट करता है कुछ करने के लिए। जो आदमी अभाव में रहता है ना, वो भी चाहता है कि मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी अपना नाम रोशन करूँगा, अपने पिताजी का नाम रोशन करूँगा। तो इसलिए ये अभाव जो है ना, इसको अपना वीकनेस मत मांगो, ये तो आपका स्ट्रेंथ है, ये तो आपकी ताकत है जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है। उसको पालन करो और जी तोड़ मेहनत करो। जैसे बता रहा हूँ ना, आदमी के अंदर इनफाइनाइट शक्ति है। आदमी अगर ठान ले, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैंने तो अपने जो पिछले 6 साल का अपना कार्यकाल रहा, इसमें देखा कि अगर हम लोग ठान लें, आपकी नीयत अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो हम लोग ट्रेनिंग में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है हैदराबाद में, तो आउटडोर की बात बता रहा हूँ, हम लोग के फील्ड में से ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग में जो हम लोगों ने रनिंग स्टार्ट किया, दौड़ होता है अपना हर शनिवार को, तो पता चला कि मैं 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहा हूँ, 10 बार बैठ रहा हूँ। और ओवर द ईयर सिर्फ 10 महीने के अंदर मैंने रियलाइज़ किया कि नॉन स्टॉप 42 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ मैं। मैराथन दौड़ना स्टार्ट कर दिया। जब मैं ट्रेनिंग में गया था, तो स्विमिंग में शायद 50 मीटर दौड़ स्विम कर सकता था, और जब मैं ट्रेनिंग कंप्लीट किया, तो मैं 4 किलोमीटर तक स्विम कर सकता हूँ बिना थके। मतलब आदमी चाह ले, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मतलब आदमी चाह ले तो कहाँ, देखो चांद तक पहुँच गया आदमी। तो आदमी की सोच होनी चाहिए वैसी, उची सोच रखो, उसके लिए उतना ही मेहनत, उतना ही डेडिकेशन से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे एक बहुत अच्छा आदमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिल्खा सिंह का। मिल्खा सिंह का नाम सुने हो? उसकी एक मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, उसमें उसने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर आपको कुछ बनना है, कुछ पाना चाहते हो लाइफ में, तो उसके लिए उसने 2 लाइन लिखा हो उसकी ऑटोबायोग्राफी में, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
मतलब अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तुम्हें अपने आप को बर्बाद करना पड़ेगा, अपने आप को मिटा देना होगा। ये नहीं कि तुम चला हेयर स्टाइल में व्यस्त हो, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए। कोई भी देखो दो बटन खुले हुए हैं, स्टाइल में परेशान हो, पिताजी की कमाई पर तो कोई स्टाइल मार लेगा। अपनी कमाई पर जब उस योग्य बन जाना तब तुम्हें उसका असली मजा आएगा। तो जैसे उसमें बताया मिल्खा सिंह ने, जैसे तुम लोग देखो कोई अच्छा फूल का, जैसे बताया यहाँ पर कि संतरे बहुत होते हैं, या फिर मान लो कोई फूल का बहुत अच्छा पेड़ है, तो उस बीज की कल्पना करो जिस बीज से ये फूल का पेड़ बना होगा। तो किस तरह वो बीज पहले मिट्टी में, पानी में, कीचड़ में गल गया, सड़ गया, खराब हो गया, फिर उसके बाद उसने पौधे का रूप लिया। सेम वैसे ही अगर तुम चाहते हो कि अच्छा बनना है तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं तैयारी किया, जब मैं दिल्ली में 3 साल रहा तो उस तैयारी के दौरान मेरे घर में 2 सिस्टर्स की शादी हो गई, नहीं गया मैं, कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, कोई त्यौहार अटेंड नहीं किया, सब कुछ छोड़ता रहा। क्योंकि आप एक बड़े गोल की जब कल्पना कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, इन सब छोटी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। गाँव में एक समस्या और रहती है, चूँकि ग्रामीण परिवेश यहाँ बताऊँगा, चूँकि लोगों को शिक्षा का अभाव रहता है, जागरूक नहीं रहते हैं लोग। ज़्यादातर गांव में देखोगे ना, घरों में लोग संपत्ति के विवाद को लेके भिड़ते रहते हैं कि ये मेड़ पे मेरे कैसे तू चला आया, वो बोलेगा ये मेड़ मेरा इधर था, 1 फीट तू उधर बढ़ गया, रास्ता मेरा रोक लिया, बाड़ी मेरा बना लिया। ठीक है, ये मैंने अपने फादर से देखा, मेरे सेम प्रॉब्लम हर जगह रहती है। ऐसा नहीं कि ये गाँव यूनिक है, हर जगह ऐसी समस्या रहती है। ज़्यादातर लोग ना इसी में परेशान रहते हैं कि साला उसका कैसे काम हो रहा है, उसको रोकना है अपने को, उसका बाड़ी बन गया देखो उसको रोकना है। तो इसमें अगर आप बड़े दिल के बनोगे, अगर मान लो कोई मेड़ आपका ले जा रहा है ना, ले जाओ भैया तुम्हारा, तुम्हें रख लो मेड़, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तुम मेड़, तो आप बहुत अच्छा करोगे। पॉजिटिव थिंकिंग का रखोगे ना, पॉजिटिव एटीट्यूड का रखोगे, तो लोग खुद रियलाइज़ करेंगे कि यार ये गजब का आदमी है, हाँ ये छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया इसने। लेकिन होता क्या है गाँव में, लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो मेरे बाप की है, मैं मर जाऊँगा लेकिन तुमको छोड़ूंगा नहीं, उसको कोर्ट कचहरी तक खींचूंगा जैसा बना। वो 3-3 जनरेशन चल रहा है, मतलब उनकी असली धरोहर जो उनके बच्चे हैं उस पर उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो भाड़ में जाए। जो ये 10 फीट जमीन है ना, वही पूरी उनकी संपत्ति, उनका जीवन है। अगर वो कल के दिन आपका लड़का किसी योग्य बन गया तो वो संपत्ति जो आपके 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ है ना, पूछने भी नहीं आएगा, आपको खुद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या है, जो आपकी मेन धरोहर है बच्चों को, उनको छोड़ के उसी में भिड़े पड़े हो। तो इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको मॉडर्न एटीट्यूड का होना पड़ेगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी परवरिश करो उनका, और उनके साथ स्वतः